नमस्कार, बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन मार्केट में जिस ढंग से पिछले हफ्ते फेड के अपडेट के बाद मार्केट में जो वॉलिटिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई है, बट गेंस की अगर हम बात करें तो सोने में हमने करीबन 0.5% की तेजी देखी है। और अगर हम चांदी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर लगभग 0.5% से ज्यादा की तेजी देखी है। रुपए में नो डाउट 2 दिन पहले हमने काफी मजबूती देखी, बट फिर से कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट है। डॉलर इंडेक्स 106 के करीब है, जो यूएसडीआर को और पॉजिटिवली देता है, जिसका मतलब है कि सोने और चांदी को दोनों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम मेजर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले है न्यू टेंशंस। जिस ढंग से हमने देखा रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न बना था वो तो चालू ही था, बट अब यूएस चाइना और ताइवान को लेकर भी जो कंसर्न बने हुए हैं, जिसका कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग के तौर पे सोने को सपोर्ट सीधा सीधा मिलेगा। नो डाउट फेड की जो मिनट्स हुए हैं, फेड्स की जो मीट हुए हैं, इसके अंदर हमने देखा कि एग्रेसिव टाइटनिंग का जो प्लान है ये और आगे प्रस्यू हो सकता है, जिसका मतलब है सोने में अपसाइड थोड़ा कैप है। बट अभी भी जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो कंटिन्यू बना हुआ है। फेड ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि रेट हाइक आगे और हो सकता है, और जैसे कि हम जानते हैं 0.5% का रेट हाइक सितंबर में पॉसिबल है। जब जब रेट बढ़ता है हम सोने पे एक नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखते हैं, बट इस वक्त मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है कि सितंबर में भी 0.5 का रेट हाइक होता है तो अगेन दिस विल बी पॉजिटिव। अगर हाँ 0.5 के मुकाबले 0.75 का रेट हाइक होता है तो डेफिनेटली थोड़ा पुलबैक दिखा दे। बट इन ऑल 1750 के ऊपर गोल्ड पॉजिटिव है, जो 1820 से 1840 तक का लेवल दिखा सकता है। रिसेंटली हमने देखा ISM सर्विस के जो नंबर आए थे वो कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीमेंट दिखा रहा है, बट टेक्निकली रिसेशन में हम बोल सकते हैं कि US पहुंच रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में सोने और चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि जब भी रिसेशन में होते हैं कोई भी कंट्री तो गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, ये भी ध्यान रखिए, जिसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव हम गोल्ड पे पड़ते हुए देखेंगे। सिल्वर में हमने देखा जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड में इजाफा नहीं हो पा रहा है, चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है, बट जिस ढंग से $18 से खींचकर 20 के ऊपर आ गई है, या डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें 58 के ऊपर आ गई, तो ये हैवी साइन ऑफ रिकवरी के है। तो एज ऑफ नाउ अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी में तेजी रहेगी। जो 52,800 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे और 60,000 तक का लेवल चांदी में देख पाएंगे, दोनों में लेके काम कीजिए। धन्यवाद।